नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं, सीनियर न्यूरोसर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। आपके मन में या बहुत सारे लोगों के मन में धारणा होती है कि कोई भी स्पाइन सर्जरी अगर करा लेगा तो उसके पैर नहीं चलेंगे, वो पैरालाइज हो जाएगा। ये एक बहुत गलत धारणा है और मैं इस धारणा को दूर करते करते परेशान हो गया हूँ। हमारे स्पाइन सर्जरी के बाद पैर चलते हैं, पेशेंट चलते हैं, पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। 95 से 98% केसेस, 1 से 2% केसेस वो होते हैं जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर होता है या पेशेंट के पहले से ही पैर नहीं चल रहे होते, उसमें स्पाइन सर्जरी के बाद उतनी कामयाबी नहीं मिलती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, 95% ऑफ द पेशेंट्स हु अंडरगो स्पाइन सर्जरी इन गुड हैंड्स हैव अ नॉर्मल लाइफ एंड दे डू नॉट डेवलप एनी वीकनेस इन द लिम्स, एनी पैरालिसिस। ये क्यों हो रहा है? स्पाइन सर्जरी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले बहुत खराब मानी जाती थी क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा था। लेकिन रिसेंटली नए गैजेट्स आए हैं, नए इन्वेस्टिगेशन मेथड्स आए हैं जिससे हम स्पाइन सर्जरी को बिल्कुल सेफ और अच्छा बना पा रहे हैं। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हैं? जब हम MRI करते हैं, जब हम CT स्कैन करते हैं, तो वो हमारे को स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स सबके बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमें ऑपरेशन के टाइम पे सारा कुछ पता होता है कि क्या हमें करना है, क्या प्रॉब्लम आएगी और हम कैसे कर पाएंगे। उसके अलावा वी हैव ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप जो कि हमें मैग्निफिकेशन देता है। हमें एक पतली सी छोटी सी नर्व जो नेकेड आई से नहीं भी दिख सकती होगी, वो हमें माइक्रोस्कोप से मोटी रस्सी की तरह दिखती है। उसके अलावा ड्रिल वो होती है जो कि बोन को कट करती है। ड्रिल से हम जब बोन काटते हैं तो बोन की मूवमेंट नहीं होती, सेफली हम बोन को हटा पाते हैं और नर्व को इंजरी नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास क्यूजा, उसके अलावा हमारे पास सक्शन मशीन, हमारे पास अच्छी क्वालिटी की कॉट्रीज, उसके अलावा एक और गैजेट है न्यूरो मॉनिटरिंग में हम नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड को हम चेक कर पाते हैं कि ऑपरेशन के दौरान उनमें कोई डेफिसिट तो नहीं हो रहा। तो ये सब गैजेट्स का इस्तेमाल करने के बाद हमने ये देखा है कि स्पाइन सर्जरी हैज बिकम वेरी सेफ, चाहे वो ट्यूमर के लिए हो, चाहे वो ट्रॉमा के लिए हो, चाहे वो डिजेनरेटिव डिजीज के लिए हो, चाहे वो कंजेनेटल एनोमलीज के लिए हो। स्पीड ऑफ स्पाइन सर्जरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा एनेस्थीसिया का टाइम कम कर सकते हैं तो उससे हमारी जो स्पाइन सर्जरी है उसके रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। तो अगर एक कॉम्पिटेंट न्यूरोसर्जन है और वो स्पाइन सर्जरी करता है और वो उसी सर्जरी को जल्दी कर देता है तो ओवरऑल जो टाइम है जिसमें सर्जरी होती है वो रिड्यूस हो जाता है और पेशेंट का आउटकम बेटर होता है। इसके अलावा बहुत सी रिसर्च चल रही है स्क्रूज, प्लेट्स, रॉड्स, इंटरबॉडी केजेस को लेकर, जिससे नए तरीके के ये प्रोसीजर्स आ रहे हैं जैसे कि मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी जो हैं ये स्पाइन सर्जरी को और ज्यादा सेफ बनाते हैं और पेशेंट की अर्ली रिकवरी होती है एंड द पेशेंट इज बैक टू वर्क विद इन 5 to 7 days ऑफ द सर्जरी। इसके अलावा न्यूरो सर्जन्स ने भी रिसेंटली जब से स्पाइन सर्जरी करनी शुरू करी है लास्ट 10-15 years से, दे हैव रिवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइन बिकॉज दे आर मेनली कंसेंट्रेटेड टू नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो वो इन नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करते हैं, चाहे वो बोन का भी काम करते हैं लेकिन वो इन स्ट्रक्चर्स को इंजरी बिल्कुल भी नहीं होने देते। तो अगर आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है बेझिझक जाइए, मेरी गारंटी है अगर आप एक अच्छे सर्जन के पास जाते हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड में पहले से कोई डैमेज नहीं है तो आपकी सर्जरी पक्का सक्सेसफुल होगी।